मेरा नाम है सैयद साहब अली और मेरा चैनल मटरगश्ती इंस्टाग्राम में भी मटरगश्ती ब्लॉग के नाम से सर्च कर सकते हैं आप लोग। और जैसा कि मुझे बता रहे थे कुछ बोलिए सफ़र के बारे में। सफ़र कुछ ऐसा रहा है दोस्त की बाय प्रोफेशन आई एम जर्नलिस्ट और अब जो है कि वो सब छोड़ छाड़ के एक्स हो गया हूँ और उसके बाद अब जो है कि फॉर्मर लगा करके ब्लॉगर कहलाता हूँ। क्या है कि जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तो उस समय बिहार के बारे में जो लोग भी कहते थे पूछते थे लोकेलिटी के बारे में तो जब आप बताते हैं उनको कि हम बिहार से हैं तो बड़ा उन लोग अंदर से अजीब से उन लोग मतलब रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि मुझे बिहार एक्सप्लोर करने का मन हुआ कि बिहार को दिखाया जाए लोगों को। उसके बाद जब मेरा जॉब शुरू हुआ आई वॉज वर्किंग विथ जी नेशनल इन दिल्ली, वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है मतलब लोगों को, क्योंकि होता है ना कि हम उत्तराखंड से हैं तो हम दो घंटे का शिफ्ट करेंगे और एक घंटा रिलीफ लेंगे, लेकिन बिहारी लोगों के साथ दिक्कत ये है ना कि आठ घंटा काम करेंगे और क्यों तक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये चीज़ें, हमारे यहाँ वो चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें, उसलिए मैंने मटरगश्ती शुरू किया। नाम अचानक से आ गया था दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सोचा था, विचार किया था, उसके बाद नाम देखा था, बस घूमने उमने फिरने का था तो बना दिया मटरगश्ती। लेकिन आप लोगों का जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, तो आपको बता दें कि बिहार में मोर देन 200 वाटरफॉल्स हैं जिसको हम लोग अभी भी खोज रहे हैं एक एक करके। और सभी जगहों पर आपको बड़ा बड़ा बोर्ड देखने को मिल जाता है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सर भाई, यही चीज़ है ना। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस पे जाइए जिसको और इन्हांस किया जा सकता है। टूरिज़्म का बहुत सारे स्कोप्स है लेकिन वहाँ पर आपको बहुत रिमोट हो जाता है या फिर वहाँ के लोग आपको नापने लग जाते हैं। यही चीज़ दो चीज़ फील करता हूँ, तो उन सब चीज़ों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करें आप। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कैंपिंग ऋषिकेश में गंगा बीच कैंपिंग क्यों करें, गंगा जी यहाँ है और इतना खूबसूरत रेत यहाँ निकलता है और इतना अच्छा बेसिन आता है, तो यहाँ पे कैंपिंग क्यों ना करें। पैराग्लाइडिंग हम पटना में क्यों ना करेंगे, 1500 रुपये दे करके 5000 लगा के जाएंगे सोलांग में, वहाँ जाके खर्चा करके वापस आएंगे। ठीक है भाई, ले लीजिए एक्सपीरियंस, बट ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों का प्यार है तो बस इस तरह से प्यार बनाए रखिएगा और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप लोग इतने सारे लोग आए, काफ़ी अच्छा लगा। लिटरली भाई जो है ना इंडिया बीट, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी कि इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया सोशल मीडिया डे के ऊपर। और ये जो है ना यहाँ पर जो लोग हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अभी हम लोग मैच का कमी कल करते हैं तो 200 हुआ है, 200 जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू, थैंक यू।